कोल्ड ड्रिंक का एक्सपायरी माल बेच रही रिलायंस मार्केट पर कार्रवाई, स्वास्थ्य विभाग ने की कार्रवाई, 5 लाख का माल किया जब्त। कई समय से स्वास्थ्य विभाग को रिलायंस मार्केट द्वारा एक्सपायरी कोल्ड ड्रिंक बेचे जाने की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद आज कलेक्टर को जानकारी देने के बाद रिलायंस मार्केट पर कार्रवाई की गई और रिलायंस मार्केट से भारी संख्या में कैंपा कोला कोल्ड ड्रिंक का एक्सपायरी माल जब्त किया। जानकारी के अनुसार रिलायंस मार्केट से 5 लाख का माल जब्त किया गया है। कुछ माल रिलायंस मार्केट के मैनेजर के घर पर भी रखा गया था और मैनेजर और स्टाफ की मिली भगत से एक्सपायरी माल को बेचा जा रहा था। कार्रवाई के दौरान स्टाफ ने इसका विरोध भी किया। आयुक्त के निर्देश के बाद इस माल को डिस्ट्रॉय किया जाएगा। ये जो कार्रवाई है इसके लिए कलेक्टर साहब को इसकी जानकारी दे दी गई थी और DSO के निर्देश पे CMHO ने ये कार्रवाई करी है। किधर कार्रवाई करी है? ये रिलायंस मार्केट है, इनने 1 अगस्त को करीब 1 लाख रुपए की एक्सपायर कैंपा कोला एक गाड़ी, जिसकी सूचना मैंने SP साहब को भी रात में दे दी थी उसी दिन, और उसी दिन मैंने इसकी सूचना DG साहब को भी दे दी। उसके बाद में इनका टाइट किया गया तो इनने कुछ कैंपा कोला अपने एक शिव पूजन तिवारी, जो इनका यहाँ का मैनेजर है, वो किराए के मकान में रहता है, 4/237B ब्लॉक पंचशील, वहाँ पे इनने रखा। और उसके अलावा ये जो अंदर जितना माल एक्सपायरी पड़ा है ये लोग बराबर बेचते आ रहे हैं, लोगों की ज़िंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। ऊपर के लेवल पे ऐसा कुछ नहीं है, इसमें इनका एक मैनेजर है विनीत शर्मा और नीचे के स्टाफ सब मिलके इस कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। सर, किसी तरीके का विरोध भी देखा जा रहा है? हाँ, ये तो विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इनका पर्सनल इंटरेस्ट है, इनके लाखों रुपए इनने इन्वेस्ट कर रखे थे इसमें। लगभग कितना माल जब्त किया है? कम से कम 5 लाख रुपए का माल जब्त है। सीज कर रहे, इसको ले जाके इसको हम डिस्ट्रॉय करेंगे। जो जलाने लायक माल है उसको ईंट भट्टे में जला दिया जाएगा और जो लिमका और वो है उसको ट्रेंचिंग ग्राउंड में CO जो आयुक्त नगर निगम है उनकी परमिशन के बाद में उसको डिस्ट्रॉय किया। आपका नाम ऊपर? मेरा नाम अशोक मलिक है, मैं पूर्व पार्षद रह चुका हूँ और डिविजनल वार्डन सिविल डिफेंस रह चुका हूँ। किस तरह की कार्रवाई किसके द्वारा की गई है? हमको यहाँ रिलायंस का जो मॉल है यहाँ पे पंचशील अजमेर में, वहाँ पे एक्सपायर माल डिस्ट्रॉय नहीं किए जाने की सूचना मिली थी। इस पर हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ काफ़ी मात्रा में एक्सपायरी माल हमको मिला है, उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है और नियमानुसार खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। तो लगभग कितना माल मिला है? अभी काउंटिंग चल रही है। अभी तो काफ़ी करीब एक पिकअप भर गई है, अभी तो एक पिकअप और मंगवा रहे हैं हम। आपका परिचय है? आपका परिचय? प्रेमचंद शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी अजमेर।